सदगुरु कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध पद है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बुनी आई सबूरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, आखिर यह तन खाख मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। शांति इच्छुक कल्याण प्रेमी साधक अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि ऐ मेरा मित्र, मित्र मन, तुम फकीरी में लगो। ये बाहर का चाक चिक, बाहर के वैभव, इनको देखकर आकर्षित मत हो, इनमें डूबो मत। फकीरी का अर्थ घर छोड़कर साधु हो जाना नहीं है। वो तो कुछ लोगों के की ऐसी एक अवस्था आती है कि वे घर छोड़कर विरक्त साधु हो जाते हैं, बाकी फकीरी की आवश्यकता मानव मात्र को है। फकीरी क्या है? निश्चिंतता और निर्भयता की दशा। हर आदमी प्रायः चिंता में जी रहा है, भय में जी रहा है। चिंता और भय में जीने वाला आदमी जीवन को सही ढंग से नहीं जी सकता, जीवन का आनंद नहीं ले सकता। चिंता सारे आनंद सुख को सोख लेती है। चिंता ऐसी चुड़ैल कि आदमी को अंदर से खोखला बना देती है। किस बात की चिंता? छूटने वाली चीजें छूट करके ही रहेगी, चाहे आप रात दिन चिंता में डूबे रहो। और यह भी विश्वास रखो, हाथ पैर मारते रहेंगे, शक्ति अनुसार काम धाम करते रहेंगे, तो जीवन पर्यंत आपको खाने पीने को मिलेगा, पहनने वाले कपड़े मिलेंगे, रहने को जगह मिलेगी। फिर किस बात की चिंता? अभी दो दिन पहले मैं जलपान करते समय गुरुदेव जी का प्रवचन सुन रहा था। उसमें गुरुदेव जी ने अपने एक संस्मरण बताया है प्रवचन के दौरान, बहुत पहले की बात। गुरुदेव जी ने कहा है कि मैं बस में बैठा जगह जा रहा था, मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे,
उन्होंने मुझे से पूछा कि महाराज आपको कभी कोई चिंता होती है? तो गुरुदेव जी ने कहा नहीं, मुझे कभी कोई चिंता नहीं होती, किसी बात की चिंता नहीं होती। तो उन्होंने फिर दोहरा, किसी बात की चिंता नहीं होती? गुरुदेव जी ने कहा हाँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। उन्होंने कहा बड़ा आश्चर्य है, कैसे चिंता नहीं होती आपको? तो गुरुदेव ने कहा कि मेरा कुछ है ही नहीं, कहीं मेरा मन मोहग्रस्त है ही नहीं, मेरा कुछ छूटने वाला ही नहीं है, तो चिंता किस बात की करूं? निश्चिंतता फकीरी है और जीवन की परम ऊंचाई है। बिना पूरा निश्चिंत हुए हम जीवन को समग्रता में जी नहीं सकेंगे। पूर्ण शांत सुख का अनुभव कर नहीं सकेंगे। क्या लेकर के आए हैं और क्या आपका छूट जाएगा? जो मिला है, जन्म लेने के बाद ही माता पिता मिले हैं, जन्म लेने के बाद ही घर द्वार मिला है, भाई बंधु मिले, संगी साथी मिले, और बड़े हो गए तो पत्नी मिली, पति मिला, कुछ दिन हो गए तो बेटा बेटी मिल गए, बहू मिल गई, सब बीच में तो मिले हैं ना। इनमें से माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बेटा बेटी सास बहू किसको साथ लेकर के आए थे? धन जमीन जायदाद वैभव पद प्रतिष्ठा किसको साथ लेकर के आए थे? कुछ तो साथ लेकर नहीं आए थे। जन्म लेने के बाद ये सब मिले, बीच में मिले हैं, धीरे धीरे करके बीच में छूटते चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी गुजर जाएगी, ये विश्वास रखें। जिन्हें आप अपना मानते हैं उनमें से कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा तो भी आपकी सेवा करने वाले मिल जाएंगे जब सेवा की आवश्यकता होगी, फिर किस बात की चिंता? जो छूटने वाली चीज है वही तो छूटेगी, तो सारी चीजें छूटने वाली है। चिंता में डूबे रहना हमारे जीवन का बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। बहुत धन कमाया, बड़ा पद पाया, बड़ा परिवार बढ़ गया, बड़ा वैभव बढ़ गया, बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ गई, और मन चिंता में डूबा हुआ है, तो आपको क्या फायदा हुआ? क्या मिला आपको? मन निश्चिंत, निर्भय, निष्काम, तो आपका क्या घट गया है? जितनी चीजें आपके पास आज है उसके 80-90% भी घट जाएगा तो भी आपको पेट भर खाने को मिलेगा। फिर व्यर्थ चिंता कर करके अपने तन को और मन को दुबला क्यों बना रहे हो? फकीरी निश्चिंतता और चिंता सबको खा रही, सबको खा रही है। जो चिंता को ही मार देता है वो फकीर। फिकर सभी को खा गई, फिकर सभी का पीर, फिकर का फंकी करे ताका नाम फकीर। अपने प्रारब्ध पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपनी साधना पर विश्वास रखें। निश्चिंत
बहुत आनंद से जीवन गुजर होगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, अपने मन को हमें समझाना है। मन चाहता क्या है? बाहर का वैभव चाकचिक प्रदर्शन, अधिकार शासन स्वामित्व बल, इनको पाकर के सुखी होना दुराशा है। कुछ चाहो ही मत, परम सुखी हो जाएंगे, महानिश्चिंत। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। चाहना छोड़ दो, चिंता छोड़ देगी, सहनता हो गए और राजा बने हुए हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। वस्तुतः क्या है? ये चाहना, इच्छा, कामना, वासना, ये सब चिंता के कारण हैं। जिसके मन में कोई चाहना नहीं, इच्छा, कामना नहीं, वासना नहीं, उसे किस बात की चिंता होगी? वो तो परम आनंद में जीवन जिएगा। वो कहानी याद करें, कहानी तो बातों को समझाने के लिए कही जाती है, लेकिन एक संदेश होता है कहानी में। एक राजा बीमार पड़ गया, राजा को चिंता होती ही है, राजपाट और शासन अधिकार के बीमार पड़ा। अब बीमारी कारण था चिंता, लेकिन राजा कैसे कहे मुझे चिंता है? बीमारी बढ़ती गई, बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर हकीम बुलाए गए, हर प्रकार की चिकित्सा की गई, लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई। घोषणा करवा दी गई कि जो राजा की बीमारी को ठीक कर दे उसे ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा। तमाम लोग आए लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई। राजा बीमार तो प्रजा को चिंता होगी ही, प्रजा दुखी रहेगी। समय गुजरता गया, उस राज्य से एक संत गुजरे, उन्होंने देखा कि सबके सब दुखी उदास। पूछा क्या कारण? बताया महाराज हमारे राजा साहब बीमार हैं महीनों से, उनका शरीर दुबला होता जा रहा है और राजा के दुख से हम सब दुखी हैं। महाराज जी पहुंच गए राजा के पास, देखे, कुछ बातचीत किए, समझ गए कि बीमारी का कारण क्या है। संत ने कहा राजा की बीमारी तो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। तो मंत्री या सेनापति ने कहा हमारा बताइए क्या? कहा ऐसे व्यक्ति की कुर्ता मांग करके ले आओ जिसे कोई चिंता ना होती हो। जिस व्यक्ति को चिंता नहीं होती है उस व्यक्ति का कुर्ता पहन ले राजा, बस तुरंत बीमारी दूर हो जाएगी। मंत्री सेनापति ने कहा इसमें कौन भाई, कुर्ता तो हजारों मिल जाएंगे। दौड़ाए सिपाही, सेठों के पास गए, सबों के पास गए, भाई राजा के लिए कुर्ता चाहिए, कहा लीजिए कुर्ता। एक नहीं कही कैसे पूछ ले तो अब चिंता तो नहीं कोई। अरे मैं तो सेठ, चिंता सेठ को नहीं किसको होगी। सब कहते हम ये चिंता, हम ये चिंता, हमें चिंता, कहा नहीं तब कुर्ता नहीं चाहिए। खोदते रहे सिपाही, खोदते रहे, थक गए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको कोई चिंता ना हो, लेकिन खोज जारी रही। एक बार राजा के दो सिपाही एक जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे, प्यास लगी, पानी तराश खोदने लगे, पानी तराश करने लगे, देखा एक कुटी बनी है, वहां गए। वहां एक महात्मा ध्यान में बैठे थे, सिपाहियों ने पानी मांगा,
महात्मा ने पानी पिलाया, बैठे बातचीत भी। तो बातचीत करते करते सिपाहियों ने कहा, महाराज जी आपके चेहरे से ऐसा ओट टपक रहा, इतनी चमक है, प्रसन्नता है आपके चेहरे में कि लगता है आपको किसी प्रकार को कोई चिंता ही नहीं होगी। संत ने कहा, तुम लोग ठीक कहते हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो सिपाहियों ने कहा, महाराज तब एक कृपा करो जल्दी से। कि क्या? हमारे राजा साहब बीमार हैं, और एक संत ने कहा है, जिस व्यक्ति को कोई चिंता ना होती हो या चिंता ना हो जिसके पास, उसका कुर्ता मांग कर राजा पहना दो, राजा बीमारी दूर हो जाएगी। महाराज आपको कोई चिंता नहीं, महाराज जल्दी कृपा करो, अपना कुर्ता दे दो। महाराज का मेरे पास कुर्ता नहीं, इसलिए तुम्हें इसलिए तो चिंता नहीं मुझे, कुर्ता होगी तो चिंता शुरू हो जाएगा हो जाएगी। एक कुर्ता क्या है? अंदर की कामना, इच्छा, वासना, चाहना, सब पर मेरा अधिकार हो जाए, इतने धन का स्वामी बन जाऊं, ऐसा पाऊं, ये चाहना हो भी चिंता शुरू हो गई। चिंता रहित जीवन, ये फकीरी का जीवन है। मन लागो मेरो यार फकीर, सबको फकीर बनना होगा, बाहर से नहीं भीतर से। मोह छोड़ दो, घर में रहें मोह छोड़ कर काम करें, कामना छोड़ करके काम करें, घर में रहते रहते फकीर, निश्चिंत और निर्भय जीवन है तब। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख राम भजन में मिलेगा, वो सुख अमीरी में नहीं मिलने वाला है। अमीरी का सुख देखने मात्र का है। अमीरी का सुख है तो क्या है? आप अमीर हैं, बहुत रुपये पैसे आपके पास हैं, तो क्या होगा? कीमती कीमती भोजन करोगे, कीमती कपड़े पहन लोगे, कीमती मकान बना लोगे, मकान में अनेक प्रकार की सुविधाएं इकट्ठे कर लोगे, कीमती गाड़ी खरीद लोगे, नौका जाकर खरीद लोगे। लेकिन ये बताओ, कीमती भोजन, कीमती कपड़े, कीमती मकान, कीमती गाड़ी और नौकर में सुख है? क्या ये सब पा करके आपका मन संतुष्ट है, आपका मन तृप्त है? और यदि मन संतुष्ट तृप्त नहीं है तो सुख कहाँ है? देखने मात्र का है, बाहर बाहर का बस। जितनी अमीरी, जितना वैभव, जितना ठाटवाद, उतनी चिंता उतना भय। सुख कहाँ वहां पर है? सुख है राम भजन में। राम भजन है मन की अंतर्मुखता, आत्मलीनता, निरंतर अपने मन को देख देख करके शोधते रहना, मांझते रहना, बाहर से लौटा लौटा करके अंतर्मुख करते जाना, ये राम भजन। और इसमें सुख है। घर में ही रहें, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर में ही रह करके अपने मन को अंतर्मुख करने का और मन को शुद्धते रहने का काम करते रहें, मांझते रहें, मांझते रहें मन को। मन मंझ गया, सच्चा सुख मिल गया। मन अंतर्मुख हो गया, मन का बाहर भटकना दूर हो गया, सच्चा सुख मिल गया। ये सुख बाहर नहीं मिलेगा, अमीरी में तो है ही नहीं। किसी ने कहा है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। संतों के पास जो लाल मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, जो वैभव मिलेगा, अमीरों खजाने में वो मिलने वाला नहीं है। अमीर तो बेचारा बाहर से अमीर है, भीतर से दरिद्र, क्योंकि असंतोष की ज्वाला में जल रहा है, चिंता और भय की ज्वाला से रात दिन परेशान, कहाँ सुख है वो? अमीरी में सुख होता तो अनेक राजा महाराजा उस राजभोग को छोड़ करके साधु फकीर क्यों बन जाते? पैसे का खंडन नहीं है,
पैसा आपके पास है, जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलेगा। पैसा आपके पास है अपने निर्वाह में, परिवार वालों के निर्वाह में, लोगों की सेवा में खर्च करो, अन्यथा बटोरते गए और पैसे का अहंकार किए, चाटा खाने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। पैसे की आवश्यकता सबको है दुनिया में, गृहस्थ को, विरक्त को, सबको है, लेकिन पैसे में सुख खोजोगे कभी मिलने वाला नहीं है। और ध्यान ये दें, आपके पास पैसा है तो आप पैसे का मालिक बन करके जिए, कभी भी पैसे को अपना मालिक न बनने दें। जिस दिन पैसा आपका मालिक बन गया तो गुलाम, और गुलाम को सुख कहाँ मिलेगा। पैसे का मालिक आप बने, पैसा आपके सिर पर सवार ना हो, इसका ध्यान रखें। हिंदू परंपरा में कितनी ऐसी बातें हैं जो रूपक में हैं, उसका मर्म समझें तो बहुत संदेश दिया गया है। पैसा को, धन को, वैभव को लक्ष्मी कहा जाता है। आपने देखा होगा चित्र में कि विष्णु जी शेषनाग पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। और चित्र में आपने ये भी देखा होगा, लक्ष्मी का चित्र है, उसके बगल में उसका वाहन रखा है, कौन, लक्ष्मी का वाहन माना गया है उल्लू। ये कहा गया है कि लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के चलती है। इसका अर्थ क्या है? यदि आप पैसे के मालिक हैं, पैसे गुलाम नहीं है, आप पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, सेवा में लगाते हैं, दान में, परोपकार में लगाते हैं, अब पैसे को अपने चरणों पर रखते हैं, लक्ष्मी विष्णु के चरणों पर है ना, पैसे को सदैव स्थान देते हैं, चरणों पर उपयोग करते हैं, तो आप विष्णु बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, व्यापक हो जाएंगे आप। लेकिन यदि आपने पैसे का अहंकार किया तो आप उल्लू बन जाओगे। पैसे सिर, चूंकि लक्ष्मी उल्लू के सिर पर बैठती ना, सवारी करती है, तब मर्जी आपकी, आपको विष्णु बनना है कि उल्लू बनना है। पैसे को पैर पर रखे तो विष्णु बन गए, और सिर पर रखे तो उल्लू बन गए। और उल्लू बन गए तो उल्लू बन करके रहो, फिर सुख कहां मिलेगा। इसलिए अमीरी में सुख नहीं खोजना है, ठीक है पैसा है उपयोग करो, लेकिन मालिक बन करके, वो आपका मालिक ना बनने पाए। सुख, सच्चा सुख तो राम भजन में है, आत्मलीनता में, मन के अंतर्मुखता में, मन की निर्मलता में। हर समय ये ध्यान रखते रहना है कि कभी मेरा मन मलिन ना होने पाए, बाहर की वस्तुओं को देख करके ललचाले ना पाए, फिर आपका सुख कभी कम नहीं होने वाला है। अमीरी का सुख तो घटने वाला है, अमीरी नहीं रह गई सुख घट जाएगा, अमीरी बढ़ गई अहंकार बढ़ जाएगा। लेकिन मन के अंतर मुक्ता का, आत्मलीनता का, निर्मलता का सुख घटने वाला नहीं है, वो एक रस सुख। और इस सुख के पीछे कोई दुख नहीं, कोई तृष्णा नहीं। भली बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जैसा कहता है, भला कहता है तो, बुरा कहता है तो, अच्छा कहता है तो, आपको गलत कहता है तो, अपमान करता है, निंदा करता है तो, उद्विग्न मत हो, सबको सहन करो। जिसकी जैसी मर्जी उसे कहने दो, किसी को हमारी प्रशंसा करने में आनंद आता है तो किसी को हमें गाली देने में, हमारी निंदा करने में आनंद आता है। अपना अपना आनंद ले रहे हैं दोनों। ऐसा मन हमें बनाना होगा
गाली देने वाले के लिए हमारे मन में धन्यवाद निकले और प्रसन्नता करने वाले के लिए हमारे मन में हमारे मन से धन्यवाद निकले। हमारा मन हमेशा प्रशंसा का सम्मान का भूखा बना रहता है, ये हमारी दरिद्रता है। और प्रशंसा की भूख रख करके दरिद्र बन करके सुख से जीवन नहीं जिया जा सकेगा। इसलिए कोई भला करता है तो उसको अपना मित्र और प्रेमी और अनुयायी ना मान ले, कोई बुरा कहता है तो उसको अपना बैरी द्वेषी ना माने, सबके लिए धन्यवाद। साहब कहते हैं सबका सहो सब सुनो, ये दुनिया है, किसकी निंदा नहीं हुई है, एक से एक बड़े बड़े संत गुरुजन आए, निर्मल जीवन, लेकिन उनको देखो कोई नहीं बचा है निंदा से, कोई नहीं बचा है। उन संतों गुरुजनों महापुरुषों के सामने हमारा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। अब किसी ने हमारी निंदा कर दी तो इसमें दुखी होने की बात क्या है। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, आप लोग गुरुदेव प्रवचन सुनते होंगे तो कई बार ये बात आती है, यदि किसी ने हमारी निंदा की और निंदा करके हम चिढ़ गए, दुखी हो गए, तो ये समझना चाहिए कि हम निंदा करने लायक हैं ही, निंदा करने वाले ने ठीक ही किया है, निंदा करके कोई गलत काम नहीं किया, हम निंदा करने वाले थे ही और हैं ही, तभी हमारी निंदा हो रही है। और निंदा सुन करके दुखी नहीं हुए, चिढ़े नहीं, तब समझना चाहिए कि हाँ अब ज्ञान जीवन में उतर रहा है, फिर कोई हमें परेशान नहीं कर सकेगा। निंदा सुन करके यदि हम चिढ़ गए, दुखी हो गए, गुस्से में आ गए, तो निंदा करने वाला अपने उद्देश्य में सफल हो गया, उसको मजा आ गया। और निंदा सुन करके यदि हम दुखी नहीं हुए, चिढ़े नहीं, गुस्से में नहीं आए, अपने आप पर संयम रखें, तो निंदा करने वाले बेचारा मर जाएगा। ये निंदा को मारने का तरीका है, चाहे वो कोई हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, सास हो, बहू हो, भाभी हो, देवर हो, नैना भाभी हो, गुरु हो, शिष्य हो, गुरु भाई हो, भगत हो, कोई भी हो, परिचित अपरिचित, हर जगह हमें निंदा सहने के लिए तैयार रहना होगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, इस दुनिया में तुम आए हो तो मात्र ठोकर खाने के लिए आए हो, और जितनी ठोकर खाओगे, साधारण रहोगे, तो उतना तुम्हारा जीवन सुंदर बंदा चला जाएगा। ठोकर पर ठोकर, ठोकर पर ठोकर खा करके ही कोई पत्थर मूर्ति बनता है, और मूर्ति बन करके भगवान बन जाता है। निंदा करने वाला हमारे जीवन को गढ़ रहा है, छीड़ रहा है, हमें भगवान बनाने का काम कर रहा है, फिर दुखी होने की क्या बात है। ये समझ आना भी मुश्किल और इसमें भाव जीना भी मुश्किल, लेकिन हमारा मन बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, थोड़ी निंदा सुनते हैं एकदम दुखी हो जाते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, भले भली बुरी सबका सुन लीजिए, सबका सुनो, सबका सुनो। और ये ध्यान रख, जिस घर परिवार में रहते हैं उन्हें, जिनके लिए आप रात दिन काम करते हैं, उन्हीं का सबसे अधिक सुनना पड़ेगा। बाहर वाले को कौन गलत पड़ी है, आपकी निंदा करने के, आपको भला बुरा करने के, उनसे संबंध कभी कभी होता है। जिनके लिए आप रात दिन खट रहे हो, वही लोग आपकी बुराई करेंगे बात बात में, कहां जाएंगे आप। सबका सहना होगा, सबका। कर गुजरान गरीबी में, और गरीबी में गुजारा करो, दिखावा रहित जीवन, जब जो मिले उसमें संतोष, ऐसा कपड़ा, ऐसा भोजन, ऐसा निवास, ये चाहना ना रखें।
गरीबी का अर्थ है जब जो आ जाए उसमें प्रसन्न रहना, दिखावा में न पड़ना, प्रदर्शन में न पड़ना। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आप फटे कपड़े पहन लो, गंदे कपड़े पहन लो, झोपड़ी में रहो। गरीबी का मतलब है प्रदर्शन में नहीं पड़ना, दिखावा में नहीं पड़ना, अहंकार नहीं करना, मन का सरल बना करके रखना, विनम्र बना कर रखना, अपने को छोटा मान करके चलना, एक गरीबी में जीवन जीना है। और जो स्वयं ही हार गया, अपने को छोटा मान लिया, पीछे कर लिया, उसे कौन हरा सकता है, उसको पराजित कौन कर सकता है, वो है स्वयं ही हारा हुआ है, स्वयं पीछे हो गया अपने आप को। न निंदा का भय, न अपमान का भय, यही फकीरी का लक्षण है। चाहे आप कहीं भी रहें, कोई हो, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बने आई सबूरी में। सदगुरु कबीर कहते हैं हमारा रहना प्रेम नगर में है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, सब अपने हैं, तो सबके लिए प्रेम है। अब प्रेम नगर में रहने का अर्थ है जो भी काम करना प्रेम पूर्वक करना। प्रेम नगर में रहने का अर्थ है मन से द्वेष का, बैर का, विरोध का, घृणा का, ईर्ष्या का भाव सर्वथा निकल जाना। और ये कब होगा? जब हमारा मन निर्मल होगा, अंतर्मुख होगा, शुद्ध होगा, तब। जरा भी कामना होगी, जरा भी अहंकार होगा, जरा भी हम अपने को कुछ माने, किसी से जोड़े, धन से जोड़े, पद से जोड़े, बुद्धि से जोड़े, जोड़े चातुर्य जोड़े, विद्या से जोड़े, तो बस कुटिलता आएगी, फिर द्वेष बनेगा, बैर बनेगा, ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, अपने को बड़ा मानेंगे, दूसरे को छोटा मानेंगे। अपने लिए दुख के बीज बोलिए, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध का त्याग करके जीना, प्रेम नगर में जीना है। कौन पराया है यहां पर? सब तेरे तू समन का काको जानी रिसाए। सदगुरु पूरन साहब कहते हैं तू किसको जानकर गुस्सा करता, सब तो तुम्हारे हैं और तू सबका है, यही प्रेम का भाव है। सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, प्रेम में यही समझा जाता है। और जो करना प्रेम पूर्वक करना। अब प्रेम पूर्वक जब करते हैं तो उसके साहब ने कहा जो कुछ करो तो पूजा, प्रेम पूर्वक निर्मल मन से जो करेंगे सब पूजा बन जाएगा, सब पूजा बन जाएगा। पूजा का अर्थ ही है द्वेष भाव, द्वैत भाव का मिट जाना। पूजा भी कर रहे हैं, बैर विरोध की आग में जल भी रहे हैं, ईर्ष्या घृणा की आग में जल रहे हैं, कलह कल्पना में पड़े हुए हैं, कहां पूजा हो रही है। ऐसा मन बनाए कि जो करें सब पूजा बन जाए। भली बने आई सबूरी में, सदगुरु कहते हैं अब तो सबूरी में अच्छा बन गया। सबूरी संतोष, सबूरी सहनशीलता, सहन और संतोष, इसमें ही कल्याण है, इसमें ही सुख है। जिंदगी भर सहना पड़े, जिंदगी भर सहना पड़ेगा, अपनों का सहना पड़ेगा, परायों का सहना पड़ेगा। बिना सहन किए एक दिन भी जीवन नहीं जिया जा सकता है, जिंदगी भर सहना पड़ेगा। भीतर का भी, बाहर का भी, बाहर की परिस्थिति है उसको भी, परिस्थितियां सदैव एक जैसी कहां रहती है? परिस्थितियां सदैव बदलने वाली, आज अनुकूल है कल प्रतिकूल हो जाएगी। आज जो लोग अत्यंत प्रेमी हैं
उनमें से कब किसका मन बदल जाए और कब कौन अत्यंत द्वेषी और बैरी बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बाकी सब परिवर्तनशील है, आदमी का मन परिवर्तनशील, परिस्थिति परिवर्तनशील, चीजें परिवर्तनशील, इनमें सहन के अलावा रास्ता क्या है और सुख से जीने का? सहन और संतोष, सहनशीलता में संतोष आ जाएगा, संतोष में सहनशीलता आ जाएगी, इसलिए सब्र। सहनशील बनकर झुक करके रहें, ठोकर लगेगी ही नहीं, संतोष जो मिले उसमें संतोष करते रहें, इच्छा की ज्वाला धधकेगी नहीं, कमी का अनुभव होगा ही नहीं। वस्तुओं का अभाव आदमी को दुख नहीं देता है, दुख देती है अभाव की अनुभूति। ये मेरे पास नहीं, ये मेरे पास नहीं, ये मेरे पास नहीं, ये मेरे पास नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये जो अनुभूति है ये असंतोष और यही दुख का कारण। अभी तक आप बहुत आराम से जी रहे थे, बहुत सुख से जी रहे थे, लेकिन आपने देखा आपके पड़ोसी ने, आपके साथी ने या आपके मित्र ने एक बढ़िया गाड़ी खरीद ली, और जब जब गाड़ी देते हैं आपको आपको मन में खटक होती है, हाय देखो मेरे मित्र के पास, पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई, मेरे पास गाड़ी नहीं। अब बिना अभी तक बिना गाड़ी के सुखी जीवन जी रहे थे, कोई अभाव नहीं खटक रहा था, लेकिन जैसे ही मित्र ने, साथी ने या पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी, अब खटक शुरू हो गई। ये दुख किसने बनाया, गाड़ी ने बनाया या आपके मन में जो अभाव की खटक हुई इसने बनाया? क्यों ललचा रहे हैं? गुरुदेव प्राय कहा करते थे, लोगों के पास तो गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। गुरुदेव सर कहा करते थे, और सचमुच में कुछ था ही नहीं, उनके नाम से न किसी बैंक में खाता था, न उनकी झोली में फूटी कौड़ी रहती ही थी, झोली बिल्कुल खाली, खाली मतलब पैसे से खाली, किताब बीजक मूल रहता था, जो डायरी रहती थी, कुछ एक दो कलम रहते थे, वैसे कोई चीज रहती थी, पैसा तो कुछ नहीं रहता था। उनके नाम पर न जमीन, न जायदाद, न मठ, न आश्रम, कुछ नहीं था। कितने सुखी थे, आप लोगों ने देखा है क्या? वो सुख हम अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मन में अधिकार, इतना पैसा मेरे नाम पे होना चाहिए, ये चीज मेरे नाम पर होना चाहिए, बस दरिद्र बन गए। और दरिद्र बनकर हम अपने को बेच देते हैं। भली बनी आई सबूरी में, सदगुरु कहते हैं कि सबूरी में संतोष में बढ़िया आ गया। चाहना छोड़ करके जिए आप, निश्चिंत हो जाएंगे। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हाथ में कुंडी है, कुंडी भिक्षा पात्र, भिक्ष मांगने का कटोरा, और बगल में सोटा एक डंडा। बस जिधर जाता हूं हमारा राज्य है। कितनी मस्तानगी में सद्गुरु कबीर कहते हैं, जहां जाता हूं, जिधर जाऊं, सब तरफ राज्य ही, चारों दिशा जगीर, चारों दिशा मेरी जागीर है, पूरी दुनिया में जागरी हो गई। क्योंकि बस भूख लगी, भीख मांग ली कटोरा से, खा लिए, बस जहां मन हुआ सो लिए। डर ही नहीं है कि कोई कुछ छीन कर लेकर ले जाएगा, तो मोह छोड़ करके जिए, लोभ छोड़ करके जिए, हर सब तरह जगीरी जगीरी जगीरी। नागार्जुन एक संत हुए हैं, एक रानी उनकी शिष्य थी। एक दिन रानी ने नागार्जुन को भोजन के लिए आमंत्रित किया,
नागार्जुन आए भोजन करने के लिए। रानी सोचती है कि गुरुदेव जी मेरे घर पहली बार आ रहे हैं भोजन करने के लिए, इसे साधारण पात्र में भोजन नहीं कराऊंगी, आज सोने के पात्र में भोजन कराऊंगी, ताकि लगे कि ये भी लगे कि प्रदर्शन भी है कि हाँ देखिए मैं रानी हूं तो मेरे पास सोने की थाली थोने का पात्र है, प्रदर्शन भी था और कहना गुरु प्रति श्रद्धा भी थी। श्रद्धा तो कम थी, प्रसन्नता की भूख ज्यादा थी, दिखावा ज्यादा था, तो सोने के पात्र में भोजन करा। अब चाहती थी प्रसन्नता कुछ, और ये भी लग जाती थी कि मैं गुरु की बहुत बड़ी शिष्य हूं, ये भी तो सोने के पात्र में भोजन कराया और दिखाने के लिए कहती गुरुदेव ये सोने के पात्र जो भिक्षा दिए हूँ ये आप अपने साथ ले जाइए, आपको दान में करती हूँ। सोची थी वो तो कहेंगे अरे भाई मैं तो साधु हूँ सोने पात्र क्या करूँगी, क्या करूँ ले जाकर, कैसा कहें गुरुदेव मेरी भक्ति भी बन जाएगी और मेरी चीज मेरे पास रह भी जाएगी। क्या गुरुदेव ये सोने के पात्र जो आप भोजन कर रहे हैं आपको दान में देती हूँ। नागार्जुन उठे भोजन किए उठाकर चल दिए पात्र, कहते तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं तो ऐसे कह रही थी, गुरुदेव ले गए उठाकर चल दिए। अब उसी सोने के पात्र में नागार्जुन भिक्षा मांगने लगे। एक चोर ने देखा ये साधु फकीर और सोने के पात्र के पास उसमें भिक्षा मांग रहा है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। चोर पीछे लग गया, छीनूंगा तो हल्ला हो जाएगा तो सब लोग मुझे मारेंगे और ये तो पात्र चला ही जाएगा, पीछे लग गया। सोचा कि जब ये साधु सो जाएगा तब इसी कुटिया में जा करके इसे चुरा लूंगा, जंगल में कुटिया है बाहर कोई जाने भी नहीं पाएगा। पीछे लग गया नागार्जुन भिक्षा मांगते, समझ गए नागार्जुन भी कि चोर पीछे पीछे आ रहा है इसके चुराने के लिए। भिक्षा मांगे, कुटी में गए, भोजन किए और चोर भी कुटी के पिछवाड़े छिप गए थे। अब नागार्जुन ने भोजन किया और सोचा कि इस चोर तो इसके लिए आया हुआ है, पता नहीं बेचारा कब तक पड़ा रहेगा। भोजन करके जंगला से कुछ पात्र को इसे डाल दिए, चोर तो दंग रह गया, जिस पात्र के लिए मैं इतने दिन पीछे पीछे इतने दूर तक आया हूँ धूप में, उसे तो ऐसा फेंक दिए है मानो मिट्टी का ही पात्र। पहले तो खुशी हुई, फिर लगा नहीं इसके पास कोई ऐसा धन होगा जो इससे भी मूल्यवान है। दौड़ करके गया अंदर, चरणों में गिर गया, भगवान मैं सोने के पात्र को चुराने के लिए आया था लेकिन आपने ऐसा फेंका कि ऐसे मिट्टी के पात्र हो, इसका मतलब आज बड़ा धन वही धन मुझे दीजिए, शिष्य बन गया। मतलब ये कहना है जिसके मन में लोभ नहीं है उसके लिए सब तरफ जागीर ही जागीर है ना, हाथ में भिक्षा के पात्र ले लिए बस सब तरफ जागीर, जिधर चले जाओ छीनेगा कोई कि उसका क्या, निश्चिंत जीवन। मैं ये नहीं कहता कि आप सब जितने भी है हम लोग बैठे हैं सब भिक्षा का पात्र लेकर के गली गली घूमने लग जाएं, वो जमाना भी है था, अब तो भिक्षा मिलना भी मुश्किल है। बात यह है लोभ मोह से रहित जीवन, जब जो परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में खुश रहने का मन, वैसे हर समय खुश तो मानो पूरे संसार में आपका और राज्य है, सब तरफ जागीर आपका है, जिधर चले जाओ। छोटी सी जागीर मिल गई तो क्या हो गया, वो जागीर तो छूट जाएगी। आखिरी अतन खाक मिलेगा कहा फिरत मगरूरी में, चतुर कबीर कहते हैं भाई आजकल में वो दिन आने वाला है जब इस शरीर को खाक में मिल जाना है, फिर किसका अहंकार में तुम हाथ झुलाते हुए घूम रहे हो, किसका घमंड है तुम्हें,
कौने मगरूरी बितारे हरि नमुआ, साहब के एक भजन है, किस मगरूरी में पढ़कर, किस घमंड और अहंकार में पढ़कर तूने हरि का भजन भुला दिया। जवानी का अहंकार, रूप और सौंदर्य का अहंकार, बल का अहंकार, विद्यापद का अहंकार, एक अहंकार काम नहीं आएगा। मरने के बाद तो छोड़ दें, धीरे धीरे उम्र घटती चली जा रही है, ऐसे अवस्था आएगी शरीर जर्जर हो जाएगा, अपना शरीर अपने बस में नहीं रहेगा, एक गिलास पानी उठाकर पीना मुश्किल, चलना मुश्किल, खाया हुआ भोजन पचना मुश्किल। और जिस घर को आपने बहुत शौक से बहुत खर्च करके बनाया, वो घर का मालिक भी नहीं आप नहीं रह जाएंगे, उसी घर के कोने में पड़े रहेंगे। और किस कोने में पड़े रहेंगे, जो सबसे खराब कमरा होगा, छोटा कमरा होगा, बाकी जितने अच्छे अच्छे कमरे हैं ना, आपके बहु बेटे नाती पोते सब कब्जा कर लेंगे। मरने के बाद छोड़ो, जीते जी ये होने वाला है, इसके लिए आज से तैयार रहिए। अभी से तैयारी करेंगे तो दफा आएगी तो दुख नहीं होगा, और तैयारी नहीं करेंगे अभी से, और जो दिन आएगा तो रोते रोते ही आंसू बहाते बहाते ही जीवन बीतेगा। इसमें शिकायत करोगे कूड़ होगे, फिर कुछ नहीं होने वाला उस दिन। कहा फिरत मगरूरी में, साहब कहते हैं तुम्हारा शरीर ही छूट जाएगा, यही साथ देने वाला नहीं है, तो किसका अहंकार है। और हम वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते हैं, हमेशा बेहोशी में विभान होकर के जीवन जीते रहते हैं। देख रहे हैं हमारे सामने ही उठ उठ करके अनेक लोग चले गए, और रोज रोज जा रहे हैं, कभी अपने लिए भी सोचते हैं कि वो दफा मेरे लिए भी आने वाली है। आजकल में एक संत ने लिखा है, किसी की अर्थी को गली से गुजरते देखकर यह मत कहना कि बेचारा दुनिया से चला गया, किंतु यह सोचना कि एक दिन इसी गली से मेरी भी अर्थी गुजरेगी और लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे। वो दिन आजकल में आने वाला है। जिस घर में हम रहते हैं उसी घर से हमारी लाश, हमारी अर्थी निकलने वाली है, और लोग जैसे हम तमाशा देख रहे हैं वैसे और लोग भी तमाशा देखेंगे। उसे कोई बचा नहीं है, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा है, और बचने का कोई साधन भी नहीं है। फिर भी कितने बेहोश होकर हम जीवन जी रहे हैं, सोचते ही नहीं हैं कि आजकल में मुझे यहां से जाना है। लगता हम बहुत दिन जिएंगे, बहुत दिन जिएंगे, उसे इसीलिए अहंकार। यदि मौत के दिन को हम बराबर याद करते रहें तो अहंकार नहीं होगा, क्योंकि जब सब कुछ छूटने वाला है, छूट जाएगा, तो अहंकार किसका करें, कुछ तो अपना है नहीं। अपना कुछ होता तो अहंकार करते, अपना तो कुछ भी नहीं है, शरीर ही अपना नहीं है, तो अन्य और अपना क्या होगा। इसलिए मौत के दिन की याद करते रहना होगा। साहब कहते हैं आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में, अंत में शरीर को खाक में मिल जाना है। ये खाक का पुतला है, इसे खाक में मिलना है, खाकदान है ये शरीर, खाकदान। शरीर में क्या है, सब जो भी लगा देख करके, एक शरीर खाकदान तो है, ये कुछ कूड़े कचड़े का ढेर, अभी चल फिर रहा है, एक दिन कूड़े कचड़े ढेर में तब्दील हो जाएगा, इसकी राग भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर किसका अहंकार।
अंत में होने वाली जो दशा है उस दशा की हम याद करते रहें तो सारा अहंकार गल जाएगा। अंत में होने वाली दशा की हम याद नहीं करते, जो मिला है उसको मान लेते हैं, ये सब मेरे पास ऐसे बने रहेंगे। किसके पास बना रहा है? किसी के पास न बना है न बना बनेगा। आज किसी के पास, कल किसी के पास, परसों किसी के पास। इसलिए विनम्र बन करके जीना है। इस शरीर का उपयोग सेवा और साधना में करना है। सेवा साधना कर लिए, शरीर पाना सार्थक हो गया, और सेवा साधना नहीं किए तो अपने लिए गले की फांसी बना लिए, आवागमन का बीज और पुष्ट कर लिए। ये और क्या करें हम? गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, यदि मानव जीवन पाकर सेवा साधना करके आत्मकल्याण का काम नहीं किए तो जिंदगी भर एक काम करते रहे। कौन सा काम करते रहे? टट्टी पेशाब बनाने की फैक्ट्री चलाते रहे। ये शरीर क्या है? हर आदमी के पास फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री? टट्टी पेशाब बनाने की फैक्ट्री। चलता फिरता से अब ऐसे कहीं छोड़ नहीं सकते हैं। यही तो है शरीर की वास्तविकता, और इसी का अहंकार। हड्डी है, मांस है, चाम है, मल है, मूत्र है, रक्त है, खून है, पेशाब है, इसी का शरीर है, इसी का अहंकार है। वाह हमारा शरीर इतना सुंदर, साहब को देख खाक में मिलेगा। इसलिए विनम्र बन जाओ, निर्माण हो जाओ, और निर्माण हो करके सेवा साधना करके शरीर का उपयोग कर लो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, हे भाई संतो सुनो, साहेब सबूरी में मिलेगा, सब्र संतोष धैर्य से मिलेगा। जल्दीबाजी से नहीं मिलने वाला है। ये मन की वासनाएं, मन की कुटिलताएं, मलिनताएं, जल्दीबाजी करने सुख से, उतावला होने से, उकताने से मिटने वाले नहीं है। सब रखो, धैर्य रखो। वो साहेब जो कहेगा, साहब कहते हैं कि जो साहेब मिलेगा वो बाहर से मिला हुआ नहीं है, बाहर से मिलेगा भी नहीं, मिला है, अनुभव होना है। अनुभव का मिलना का अर्थ होता है मिलना। कैसे मिलेगा? सबूरी में। जब सब तरह से मन संतुष्ट हो जाएगा, कभी किसी बात को लेकर कमी का अनुभव नहीं होगा, हर समय तृप्त 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 मन, समझ लो मन की तृप्ति, पूर्ण आत्मसंतोष, आत्मतृप्त, ये साहेब का मिलना है। पूर्ण आत्मतृप्ति आत्मसंतोष को छोड़ करके साहब और कहां से मिलेगा? कौन साहब मिलेगा? ये हाथ पैर वाले साहब, कोमल कोमल हाथ पैर वाले साहब, कोमल कोमल आंखें वाले साहब, ये साहब आपके मन की कल्पना है। चित्रों में देखते हैं आप ऐसा, बस ऐसा कोई साहब नहीं मिलेगा। साहब का मिलना है पूर्ण आत्मसंतोष और आत्मतृप्त। अब कब होगा? अंतर्मुखता में, राम भजन में। राम भजन करते हैं अंतर्मुखता, मन की निर्मलता और आत्मलीनता। आत्मलीन हो गया मन, साहब मिल गए। आत्मलीनता के अलावा साहब और कहीं मिलने वाला है नहीं। इसके लिए चाहिए फकीरी, सब अपने मन को ऊपर उठा कर लेना, निश्चिंत और निर्भय हो जाना। निश्चिंत निर्भय कब होंगे? जब काम इच्छा कामना वासना चाहना का त्याग होगा। इच्छा कामना वासना का त्याग कर देना ही साहेब का मिलना है। इच्छा कामना वासना का त्याग हो गया, सबूरी आ गई, साहेब मिल गया। इसलिए साहब सदगुरु कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ए मेरा मन, फकीरी में लगो, सब सपने मन को हटा लो, हटाकर निश्चिंत और निर्भय हो जाओ। बस तृप्त आनंद संतोष, साहब मिल गए और सदा के लिए दुख से छुटकारा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम,
अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम